एक साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा, और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अजम ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मौविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए।